हेलो सत श्री अकाल सारे नू स्वागत है सोडा धनौला वाले ब्लॉग्स चैनल ते। अज बना जा रहा नींबू का अचार। आपने नींबू ने ते आपे दे चार नींबू तो ले ने समार के चंगी तरह सका ले ने ते आपा इदना दे पीस कट ले ने इन्ने इन्ने क पीस कट दे आपा नींबू वाले ठीक है। फिर आपा इन्हां नू पीपे च पा के रख दांगे विच इन्हां दे चार पांच नींबू निचोड़ दांगे। ओके हाँ जी हूँ आप नींबू का अचार बना लगे हाँ। इस तरह आप कट लेने पीस जिड़े जिड़े सुन चंगे लगते तो छोटे छोटे कट लियो। हाँ हाँ जिमें जिमें सुन चंगे लगते ने ठीक है। हूँ आप अद्धी थैली पाना जी अपना 5 किलो अचार है नींबू का ये आप किलो की थैली आ अद्धी थैली पा देंगे नमक की काली मिर्च दरड़ की कीती हुई बाली पाउडर नहीं बनाना है दरड़ कीती हुई है इधर अपन 2 चम्मच पा देंगे 5 किलो अचार च बहुत बढ़िया था टेस्ट आता वा काली मिर्च का ठीक है। हूँ आप पा देंगे ये जमैन स्मैल आ रही है थोड़ी जी क्रस जी करके पा देंगे फिर जमैन ये बड़ा चमच जमैन का पा दिए 5 किलो च क्रस करके पा दें स्मैल बहुत वधिया आऊगी। हूँ आप पा देंगे जीरा थोड़ा जा भुन लिया जीरा ये थोड़ा जा हल्का जा ज़्यादा नहीं भुनिया एक कड़सी जीरे की पा देंगे आप ठीक है। हूँ आप ये पा देंगे लाल मिर्च पाउडर मम्मा काला नून नहीं पाते हाँ लाल मिर्च पाउडर पाऊंगी एक चमच पा देंगे अपना कलर वधिया हो जाएगा बाकी तुसी अपने टेस्ट अनुसार पा सकते हो। हूँ आप ये पावे काला नमक काला नमक काला नमक जेकर सुनी वीडियो चंगी लग जाए तो इस वीडियो में लाइक करो शेयर करो तो चैनल कड़सी नमक दी पा दियो ओके 5 किलो च शुगर भी पाओगे शुगर भी पाओगे। हूँ आप पावे हिंग तुसी पौनी हुई पा भी सकते हो वैसे बहुत वधिया रहिंदी है वैसे बहुत वधिया रहिंदी है इन्ना क पा लाँगे आप 5 किलो च थोड़ा जिहा इन्ना क हिंग थोड़ा जिहा थोड़ा जिहा वैसे हुंदा की है हिंग होती है और क्या होता है हिंग दा मैंने पता नहीं बुद्धि पर हुण अपनी रहेगी शुगर शुगर 1.5 किलो आए शुगर 5 किलो नींबूआं दे विच 1.5 किलो शुगर हुण इहदे विच आपां सारा समान पा दित्ता है। हुण आपां इहनूं चंगी तरह मिक्स कर दांगे बिना गेरे वगैरह हाँ हूँ आप मिक्स कर लिया चंगी तरह देख सकते हो तुसी ऐदा आ खंड दे विच 2-3 दिनों आप ही पिघल जूगी हाले तो दिख रही है खंड हाँ हूँ तो देख रही है। फिर आप किसी भांडे ढक के समार के रख देंगे तो नाल नाल हर रोज़ तुसी इनू हिलाउंदे रहना गा ये 2-3 साल किधर ही नहीं जाता हाँ ये खराब नहीं हुंदा बहुत वधिया खट्टा मिठा अचार बनेगा